मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास बेटा हमने डिस्कस की थी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो फर्स्ट टाइप की डिफरेंशियल है, इक्वेशंस इन विच वेरिएबल्स आर सेपरेबल, लगभग क्वेश्चंस कर लिए थे अपन ने। एक दो क्वेश्चंस रह रहे हैं, दस क्वेश्चन कर लिए थे, इलेवंथ भी करवा दिया था। कौन सा नहीं करवाया? चलो देखो, नाइन देखो, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है? एक्स रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई टू, यही है। देखो सबसे पहले क्या करें, सेपरेट करें वाई रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, इस टर्म को उस तरफ ले जाएंगे, माइनस ऑफ एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, फिर y की टर्म सेपरेट कर देंगे, y अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर x, और इंटीग्रेशन कर दें और इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेशन बराबर, इधर नेगेटिव भी है, ओके, नेगेटिव साइन भी है, तो इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ। देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है वन प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है टू वाई, क्या हो जाएगा, दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। देखो इंटीग्रेशन वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान देंगे, टू वाई जीरो का टू वाई डी वाई बराबर डी टी, ऊपर तो क्या हो जाएगा टू वाई डी वाई डी टी, नीचे टी अपॉन रूट टी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ ऑफ डी टी, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस वन, दैट इज हाफ अपॉन हाफ प्लस कॉन्स्टेंट, टी की वैल्यू वापस रख देंगे क्योंकि तो इसका डेरिवेटिव ऊपर अपेयर कर रहा है, इसलिए इसको कंसिडर करेंगे टी से, देन इट्स डेरिवेटिव क्या हुआ अपन ने ऐसा बहुत, क्या हो जाएगा टी, टी मतलब वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन हाफ, तो वन प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ अपॉन हाफ बराबर नेगेटिव, यहां भी सेम है वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ तरफ आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ बराबर कौन क्या सन,
भैया मल्टीप्लाई सी लेगी, इसका डेरिवेटिव हो जाए ऊपर, वन प्लस वाई को टी स्क्वायर टी कंसिडर करेंगे तो टू वाई डी वाई इसका डेरिवेटिव होगा, नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई डी वाई की वैल्यू क्या जाएगी, यहां से वाई डी वाई की वैल्यू आप रख देंगे डी टी अपॉन टू, बस मत करो टी दो से मल्टीप्लाई, वाई डी वाई की वैल्यू आ जाएगी डी टी अपॉन टू, वन वाई टू बाहर आ जाएगा, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा रह रहा है, चलो एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या कह रहा है, इफ इफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू टू दी पावर एक्स प्लस वाई, टू दी पावर एक्स प्लस वाई एंड इट इज गिवन दैट फॉर एक्स इज इक्वल्स टू वन वाई इज इक्वल्स टू वन एंड ऑल्सो गिवन दैट एक्स इज इक्वल्स टू वन देन वाई इज इक्वल्स टू वन, देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एट एट एक्स इज इक्वल टू माइनस, ओके क्या गिवन है बेटा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू की पावर एक्स प्लस वाई, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की है, उसमें आपको वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन एक्स इज इक्वल टू माइनस, y और x में रिलेशन सबसे पहले हम क्या लाएंगे, y और x में रिलेशन लाएंगे, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस अवकल समीकरण का हल जो कि y और x में एक संबंध आएगा वहां से हम ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, देखो सिंस डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है बेटा, e की पावर x प्लस वाई दैट इज e की पावर x e की पावर माइनस वाई, ठीक है सॉरी प्लस वाई की पावर y, ठीक है dx को इधर ले आएंगे e की पावर y नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा dy वाई अपॉन e की पावर y बराबर e की पावर x, इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, कर दे इंटीग्रेशन करो, ई की पावर माइनस वाई का क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस ऑफ वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब हमें क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले c कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या गिवन है हमें कि x इज इक्वल टू वन पे y की वैल्यू क्या गिवन है वन, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन, देखो इट इज गिवन दैट क्या गिवन है बेटा, एट x इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू वन, दैट एम्प्लाइज वैल्यू माइनस e की पावर माइनस वन बराबर e की पावर वन और प्लस कॉन्स्टेंट, c कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो गई माइनस e की पावर माइनस वन माइनस e की पावर वन, वैल्यू पुट कर दे यहां पे, देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू From one and two,
क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई, ई की पावर एक्स, माइनस ई की पावर माइनस वन, माइनस ई की पावर वन, ये रिलेशन आ गया बेटा। अब इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। आओ, एक एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखो, माइनस ई की पावर माइनस वन, माइनस ई की पावर वन, देखो ये कैंसिल हो गया, ई की पावर माइनस वन कैंसिल, क्या रह गया, माइनस ई की पावर वन, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या रह गया, ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर वन, ओके वाई की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू वन और y इज इक्वल टू माइनस वन, आसान सा सवाल। चलो तो लिख ही लिया था, आंसर लिखो, सिंपल सा सवाल है और ये एक्सरसाइज आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, कंप्लीट 12 क्वेश्चन मैंने करवा दिए बोर्ड पे आपको और एग्जांपल्स करने आपके। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। अभी हमने इस एक्सरसाइज में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है जिसमें वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक टाइप की एक्सरसाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस हेडिंग डाल लेंगे फर्स्ट की एक्सरसाइज, फर्स्ट उसकी फर्स्ट सी क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैंने फर्स्ट ईयर कैलकुलस में आप लोगों को क्या बताया था, होमोजीनियस फंक्शन बताया था बेटा, होमोजीनियस फंक्शन बताया था, क्योंकि यहां पर अपन दो वेरिएबल की बात करते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्यों, क्योंकि हम यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और ऑर्डिनरी में एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, फिलहाल अपन इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो दो वेरिएबल में कोई फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कब होता था, मैंने लिखवाया था
कि दो वेरिएबल का कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन कब होता था, तब इसके हर एक टर्म में, तब इसके हर एक टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम क्या हो, इक्वल हो, एक्स और वाई की पावर्स का सम क्या हो, इक्वल हो, देन इट इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। अब इसका कितने डिग्री का होता था, कितने डिग्री का, कितना पावर्स का सम होता था, हर एक टर्म में पावर्स का सम जितना होता है उतने ही डिग्री का क्या कहलाता है, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पर एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4, 2x³ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4। 4 डिग्री का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि इसकी कोई भी टर्म आप देख रहे हो बेटा एक्स और वाई की पावर्स का सम क्या है, इक्वल है, और कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो यहां पर फर्स्ट टर्म देखो, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 0 है, इसके मल्टीपल में क्या है, वाई की पावर 0 है, दोनों का ऐड किया आपने 4, एक्स वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0, यहां पर देखो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, इसीलिए ये क्या है, x और y में बेटा 4 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। समझ में आ गया होमोजीनियस फंक्शन का मतलब, की डिग्री मतलब समझ में आ गया, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन को केवल समझना है, देखना नहीं है, और फर्स्ट ईयर में भी अपन ने पढ़ा था, तब आयलर्स थ्योरम पढ़ी थी पार्शियल डिफरेंशिएशन में, यूलर्स थ्योरम फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर द फंक्शन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, पढ़ी थी, क्यू अगर होमोजीनियस फंक्शन है n डिग्री का तो x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू एन यू, पढ़ा था, चलो अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होगी, उसके फॉर्म के बारे में चर्चा कर, क्या फॉर्म होगा, ठीक है, dy by dx is equals to function of xy upon function of xy, ठीक है, ये फॉर्म होगा। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा, जहां पर f1 और f2 क्या है, पेयर f1 एंड f2 आर होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ x एंड y विथ सेम ऑर्डर विथ ए सेम डिग्री, एक ही डिग्री के क्या है, होमोजीनियस फंक्शन, उतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन ये है, उतने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन ये है। तो dy by dx इज इक्वल टू फ्रैक्शन ऑफ टू होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिखूं यहां पर dy by dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशिएशन है, कितने डिग्री की, 100 डिग्री की, क्यों, क्योंकि आप देखो ऊपर डिनोमिनेटर में भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन लिखा हुआ है, नीचे भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्म लिखो पहले, फिर इसको सॉल्व कैसे करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं।
यहाँ पे लिख लेंगे का रूप क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स बराबर एफ वन अपन एफ टू, जहां एफ वन और एफ टू दोनों चरों एक्स व वाई में, चरों एक्स व वाई में एक ही घात के समघात फलन है, एक ही घात के समघात फलन है, एक ही घात के समघात फलन, ठीक है भाई। हाँ, अब इसको सोल्व कैसे करना है बेटा, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे टू सोल्व, टू सोल्व क्या करेंगे, पुट y अपॉन x की वैल्यू अपन पुट करेंगे एक नए वेरिएबल से v से, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y को हम रिप्लेस करेंगे किससे, vx से, एक नए वेरिएबल v को सब्स्टिट्यूट करते हुए अपन क्या करेंगे y की वैल्यू यहां पर रखेंगे vx, y को हटा रहे हैं तो y के डेरिवेटिव को भी हटाना पड़ेगा क्योंकि y का डेरिवेटिव है हमारे पास विद रेस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्या करेंगे, y का x के रेस्पेक्ट में करोगे dy by dx क्या करेंगे, तो पहले v का करेंगे dv by dx x as it is, और फिर v को as it is रखेंगे, x का करेंगे 1, और y और dy by dx की वैल्यू पर दिए गए इक्वेशन में पुट करेंगे, उस कंडीशन में वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस किस में बदल जाएगी, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा v और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, और ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी जिसमें आप वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होगी जिसमें वेरिएबल्स को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में बेटा अपन क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x अपॉन y इज इक्वल टू v, वो बताएंगे कौन सी कंडीशंस होगी, उस कंडीशन में अपन x को vy के टर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू vy, कौन सी कंडीशन होगी, जब डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन अपने डेरिवेटिव को क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy, मतलब x को डिपेंडेंट वेरिएबल और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, dy by dx लेकर के अपन उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उस कंडीशन में अपन उसको क्या लिखेंगे, dx अपॉन dy, उस कंडीशन में हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल से और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंसीडर करेंगे, देन x इज इक्वल टू vy अपन सब्स्टिट्यूशन, और इसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे इज इक्वल टू v प्लस y dv अपॉन dy, ये सब्स्टिट्यूशन होंगे, क्लियर, समझ में आ गई बात, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चंस करेंगे यही करना है, क्वेश्चंस करेंगे मतलब समझना है क्या सब्स्टिट्यूशन से होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन से बेटा जिसको अपन रिड्यूस करेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जिसमें चरों का पृथक्करण किया जा सकता है, जिसमें वेरिएबल्स सेपरेट किया जा सकता है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट सी एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, ठीक है बेटा, क्लियर, चलो एक तरीका तो क्या है, देखो सबसे पहले पहचानेंगे इसको, क्या इसमें वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहां से तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो टर्म है वहां से हम एक्स और वाई की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर सकते, पूरी टर्म एक साथ जाएगी जाएगी, समझ में आ रही बात,
तो सेपरेट तो नहीं कर सकते। फिर हम देख रहे हैं क्या ये होमोजीनियस है, फुल है होमोजीनियस, ऊपर का फंक्शन एफ वन नीचे एफ टू, ऊपर देख रहे हो आप 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और नीचे भी 100 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। फिर देखो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। दो तरीके सॉल्व करने के, इसी फॉर्म में रहने दो, y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 3x, और एक यहां पर y अपॉन x की टर्म बना लेंगे और y अपॉन x को क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो एक ही बात है, घूम फिर के क्या है एक ही बात है, क्लियर। चलो क्या करें हम, पुट y इज इक्वल टू बी एक्स, वाई को रिप्लेस कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव भी हटेगा, इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बी का वन प्लस एक्स dv अपॉन डी एक्स। क्या करेंगे, समीकरण 2 से y और dy वाई डी एक्स का मान किस में रखेंगे एक में, क्या लिखेंगे हम, ऑन पुटिंग the value of y and dy by dx in one in a one, एक में value put कर दे रखो, dy by dx की value ये रही p plus x dv upon dx, एक्स स्क्वायर रहेगा, वाई की जगह क्या रखेंगे वी एक्स, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे 2x और वाई की वैल्यू पी एक्स। बताओ बात समझ में आई अच्छे से, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर मल्टीप्लाई 2v मल्टीप्लाई 2v, क्लियर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये वाला v उस तरफ ले जाएं हम, इधर क्या रह गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो v की टर्म्स एक जगह कर देते हैं, x की टर्म्स एक जगह कर देते हैं, ये v उस तरफ आएगा, क्या रह गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस का v, एलसीएम ले लें सॉल्व कर लें, एलसीएम लो क्या आएगा, एलसीएम 2 क्या क्या आएगा वी स्क्वायर माइनस v मल्टीप्लाई 2v माइनस 2v स्क्वायर, यस क्या आ गया बेटा यहां पे x डीवी अपॉन डी एक्स, उधर हो गया 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, सेपरेट कर दें अब, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है हमारे पास वेरिएबल्स v और x में, जिसमें वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, ये पूरा फंक्शन v का dv के साथ सेपरेट कर देंगे और dx को इधर लाएंगे और x को इसके साथ सेपरेट कर देंगे, करें सेपरेट। देखो ये इधर आएगा तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, ये x इधर आएगा तो नीचे आएगा 1 अपॉन x, और दोनों तरफ क्या कर दो आसान, इंटीग्रेशन कैसे होगा 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या कर लेंगे t कंसीडर कर लेंगे, क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, 1 माइनस वी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 0 का क्या हो जाएगा माइनस का 2v dv और ये dt, तो 2v dv की वैल्यू क्या आ गई
माइनस डी टी। तो इंटीग्रेशन जो ये वाला है ये किसमें रिड्यूस हो जाएगा बेटा, माइनस का डी टी अपॉन टी, क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या है वन माइनस, क्लियर। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वन माइनस का लॉग एक्स प्लस, ठीक है समझ में आई बात यहां तक। इस लॉग एक्स को इधर ले आओ, ऐसा करो ये माइनस लॉग लॉग से इधर लगा दो, एक ही बात है, कैसे कर लो लॉग वन माइनस का वी स्क्वायर माइनस का लॉग एक्स बराबर लॉग सी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस लॉग वन माइनस वी स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बराबर लॉग ए, अरे लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला लगेगा यहां पर, तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, लॉग वन माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स, माइनस यहां लगा दूं मैं तो क्या हो जाएगा लॉग सी इनवर्स, अरे पावर में चला जाएगा, चलो दोनों तरफ लॉग हटा दो, वन माइनस वी स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बराबर सी इनवर्स मतलब वन अपॉन सी, तो नया कॉन्स्टेंट कह दिया सी डैश। बी की वैल्यू रखो, क्यों, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, अब एक बात कही थी कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है, ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है बेटा उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में रिलेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन से है एक्स और वाई, तो जो उसका सोल्यूशन होगा वो एक्स और वाई में ही रिलेशन होगा। बी को यहां से क्या करना है हटाना है, क्या माना था आपने वाई बराबर वी एक्स, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी उधर वाई अपॉन, वी की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई अपॉन एक्स, रख दो वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बराबर, ठीक है क्या करें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या एक्स स्क्वायर से क्या करें मल्टीप्लाई कर दे पूरी इक्वेशन को, क्या आ जाएगा यहां एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स बराबर सी डैश एक्स स्क्वायर, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। एक्स एक्स हटाओ तो हटा दो, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर सी डैश, आ गया समझ में बढ़िया से। चलो क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना होता है बेटा, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस होगी उसमें वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं सेपरेट, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, लिख लोगे फटाफट लिखो, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं सेपरेट हो सकते हैं,
आओ बेटा यहाँ तक। आ जाओ बेटा, हाँ नेक्स्ट देखेंगे। आपका कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो इसको कंप्लीट लिख लेंगे, आज के लिए इतना ही। अपन ने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझा और देन एक क्वेश्चन इसका सॉल्व किया है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के अपन और इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है।